अरे यार कमल तू, अरे यार तू तो घने दिन में आया, चल अंदर चल। आजा, क्यों शर्मा रही है? बैठो। अरे यार ब्याह कर लिया बताए भी ना, पर बात भी लाखों में एक है। अरे यार क्या बताऊं, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। कोई ना, मिठाई तो अब भी खा लेंगे। कौन है ये? अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है, बाकी बात बाद में बता दूंगा। मेरा यार है, इसको चाय पानी बना के ला। इन लोग के लिए चाय बना के लाओ। चाय वाय पी के कपड़े बदल लियो, थके आ रहे आए होगे। आराम कर लियो, थोड़ी देर में तुम्हारी चाय लेकर आऊं। कोमल पूरे दिन से गायब है और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? भैया मैं तो उसे सारे में ढूंढ आया, मैं पहले से परेशान था और भाभी के बताना याद नहीं रहा होगा। इसने तो पूरे घर का नाश ही कर रखा है, एक छोरी नहीं संभाल गई तुम्हें। अब इसमें मेरी क्या गलती है? चुप हो जाओ कुलक्षण, नहीं तो। भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? होश तक काम लो, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। तेरा दिमाग खराब है? अगर पुलिस में रिपोर्ट करा दी सबको पता चल जाएगा और हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। और क्या कर रहे हैं हम? उसको अपने तरीके से ढूंढो, उसका कमरा छान मारो, उसकी किताब पे कॉपी पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। संतोष और कुलदीप जाओ उसके अलमारी छान लो, देखो कुछ मिला है कि। जाओ। हाँ? देखना इस पे किसकी तस्वीर बन रही है। कमल पिंचर वाला, इस पे तो गिरीश सा भी लग रहा है। देखियो भैया जो कागज मिला उसकी किताब में लिख रहा कमल पिंचर वाला और इस पे यहाँ कालसी भी लग रही है। कंचन उसकी खास सहेली है, उसे जरूर पता होगा इसके बारे में। कुलदीप तू एक काम कर, उसके घर जा, वही बताएगी ये कमल कौन है। ठीक है भैया। अरे भैया ना करा यार, वा तो यार कोमल मुझे भगा लाई। कोमल भगा लाई? यार मैंने तो सुना लड़का भगा के ले जावे, पर जो करा वो तुमने ठीक ना करा। अरे यार जो भी है पर मेरी मदद तो कर। मदद तो करूंगा जितनी मेरे पे होगी, तू मेरा यार है। मैंने थारी सारी बात सुन ली, हम ना थारी कोई मदद करने वाले तम तो हमें भी फंसवाओगे। अरे शांत रहे भगवान, यारी दुख दर्द भी तो काम आवे। दुख दर्द भी तो ढंग का हो, पूरी समाज की बुराई हम पे आ जाएगी। तोड़ ना मचावे, उस तरकीब सोचेंगे। ठीक है, जो सोचना है जल्दी सोचो, ऐसे मामले में ज्यादा नहीं सोचा करते। कंचन, ए कंचन। हाँ भैया। ये कमल कौन है? भैया वो साइकिल मिस्त्री है। कोमल जानती है क्या उसे? हाँ भैया, वो साइकिल उसी के धोरे ठीक करवावे थी। कहाँ पे है उसकी दुकान? भैया उसकी दुकान स्कूल के धोरे झोड़ के बराबर में है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ। बाबूजी हाँ भरू के कमल कहाँ है? कमल तो जी मुझे पता नहीं कहाँ गया, वो कुछ बताया के नहीं गया। उसका घर कहाँ है? घर तो जी यूं ही घर है, यूं ही दुकान है, ही सोया है। उसका गांव कौन सा, उसके माँ बाप कौन है? माँ बाप तो उसके बचपन में मर लिए, और गांव हमने कभी पूछा नहीं ना, कभी उसने बताया। यूं
यू ऐसा ना बतावे। अरे अरे रुक तो सही, रुको तो सही। अरे तू मार रहा मुझे, तो पहले बात तो सुनो, बात तो बताओ क्या बात है। नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। बाबूजी मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं उसके बारे में पता, भगवान के सब मुझे नहीं है पता। ग्राहक मिलते ही अभी सब बता देगा। इसके गले में फंदा बांध दो, इसे ऊपर लटकाओ, इसकी कहानी आज खत्म कर दे। बाबूजी मुझे भैया जी छोड़ दो, बाबूजी मुझे पता नहीं है। बाबूजी बात को समझो बाबूजी। ठीक है बाबूजी, जितना मुझे पता मैं बता रहा हूँ। बाबूजी कल एक कोमल नाम की लड़की आई थी, वो उसी के लग गया और मुझे कुछ नहीं पता। सब पता है, काम कर रहा है, मुझे ना पता कहाँ है वो। बाबूजी उसने एक दिन अपने दोस्त सुरेश का नाम लिया था मेरे आगे। कहाँ का वो? सुरेश गांव दुजाने का। छोड़ दो रही से, गाड़ी निकाल लो, चलो दुजाना। तू चिंता मत कर, सारा इंतजाम कर दूंगा, तो कुछ मत बताइए। ठीक है, आगे से उन्हें मत बुलाना, नहीं तो हमारी इज्जत उधर जाएगी। ठीक है, तू चिंता मत कर। परेशान हो रही दिखे है। तुम्हारा साथ है तो फिर क्या दिक्कत? फिर मुँह लगता क्यों धरा? तुमने भी तो मुँह पे हाथ धर रखा था, तुम्हें देख के मैंने भी धर लिया। इब जैसा तुम करोगे ना, मैं वैसा ही करूँगी। ये अच्छी परेशानी आई भाई, इनका रिश्तेदार भी यहीं रात को रुकता दिखे है। अरे क्या हो गया? दरवाजा ना खुला जीजा। अरे यू खराब हो रहा, सुबह ठीक करा दूंगा, अब तू अपना काम नाली पर निपटा ले। चलो ठीक है जी, हम तो बाहर कर लेंगे। हे भगवान बच गए। कैसे बच गए, ये तो टॉयलेट तक भी ना छोड़ रहे। वो बाहर खड़ा है, सुन लेगा। अरे क्या कर रही है तू? टॉयलेट में केक रख रहे हैं, रोटी खावे कहीं? टॉयलेट में बड़ा रोटी खाते होंगे, वहाँ खा ले तू रोटी। नाच गए, टॉयलेट जाऊँ? पता ना इस दरवाजे में क्या बढ़ गया, यू खुली ना रहा। अब मैं देख लूंगा, तू जा। यू खुल क्यों ना रहा, खोल लो इसे एक बार। अरे यार तू जा ना। अब क्या करें? क्या करें यार, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, अब तो गेट खोलना ही पड़ेगा। एक यू काम भी ऐसा ही है, यो रोक के तो नहीं रुकता। अच्छा तो ये बीमारी बढ़ रही थी यहाँ। नरेंद्र भाई तू फटाफट तैयार हो ले, मुझे न रहना यहाँ सी, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। अरे भगवान वो काम कर ले जो करना ही है, कभी तेरे लत्ते गंदे हो जा। अरे क्या बात होगी जीजा, ये दोनों भाग के आए यहाँ और ये इन्हें लुको बैठा है यहाँ। ये तो बहुत गलत बात है, इन्हें समझा के इनके घर भेज दो। मेरा यार है, मैं इसकी इतनी मदद ना कर सकता। मदद अच्छे काम के लिए की जाती है, बुरे काम के लिए नहीं। अब बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये आफत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। कमल अब क्या होगा? अरे इस बात का भी हल काढ़ूंगा जो ये अभी मान जाएगी। आओ चलो।
कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने घर में रोकने की? भैया जी मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहन है। बहन बेटी किसी की भी हो, वे गलत काम करके आए हैं और तू ना बढ़ावा दे रहा है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी भैया जी। सुन, आज के बाद वे तुझे दिखाई दे तो हमें खबर करिए, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। ठीक है भैया जी, जैसे तुम कहोगे ऐसे ही करूंगा। छोड़ो, सुनो, दो आदमी यहीं रुक जाओ, वे दोबारा आ सकें उन पर नजर रखो। देख लिया बुरे काम का नतीजा? मैं तो पहली कह रही थी, पर मेरी सुनता कौन है यारी? मैं इतना तो चले ही है यारी, गई भाड़ में, हमारा चाहिए ऐसी यारी। ये काम ठीक ना होते, तुम उन दोनों के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। आगे से वो इस घर में कभी ना आ जा, ठीक है? ठीक है ना आने के आगे से, बस। मेरे भैया तो यहाँ तक आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा कमल? कोमल तू चिंता मत करे, मैं हूँ ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं एक बार सुरेश को फोन करूँ। भाई बड़ी बुरी आफत है, के करूँ, किसी कोर्ट में तुम्हारी शादी हो नहीं सकती, काहे क्या तुम्हारे पे कोई भी कागज नहीं है। भाई सुरेश कुछ भी कर, अब तो तू ही हमारा सहारा है। भाई अब तो एक ही चारा है, किसी मंदिर में जाकर तुम्हारी शादी कराई जा सके। कैसी भी कर भाई, पर हमारा बेड़ा पार करवा दे। चल ठीक है, मैं किसी पंडित से जाकर बात करूं जो तेरी शादी फटाफट करा सके। यो तो ठीक है, पर यो इंतजाम किसी दूसरे काम में करवाइए, यहाँ तक तो वे पहुँच लिए। ठीक है। अरे बात भी कहते यू ठीक रहेगा, अरे तेन्या कमल यू बहुत बढ़िया लगेगा। सेठ जी इन दोनों ने पैक कर दो आप। हो गए जी। यार सुरेश तुझे तो पता ही है कोमल कितने बड़े घर ते है, और ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र मैं देना। अगर ये हुक्म हमारे घर पे होता ना तो मेरे पिताजी जिंदा जला देते, और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। तू ज्यादा बकवास मत कर, तू एक बार इन दोनों को मेरे हाथ तो लग जाने दे। हेलो। हाँ किरा कुलदीप, पता लगा इन दोनों का? भाई दोनों हाथ से निकल गए, इसी बात का दुख है आज मुझे, पर बच के जावे के कहां दोनों? दो दिन हो गए, आखिर वो है कहां? ले यार, आज मेरे यार का ब्याह भी होगी। ठीक है तू अब आराम कर, जितना मेरे बस की हो चुका मैंने कर, तू अपना ध्यान रखिए और मैं चलता हूँ। हाँ मैं सुबह आऊंगा देर से मिलने। भाई मेरे साइकिल के मिस्त्री जी, मुझे आपकी हर उस चीज से प्यार है जिसे आपने सिर्फ छुआ तक हो। मैं उम्र भर तेरे पहलू में रहना चाहता हूँ, हर लम्हा तुझे अपना कहना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ तेरे हिस्से की हर खुशी हर गम, तेरी हंसी के पीछे का हर दर्द सहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर मोड़ पर साथ तेरा हमेशा, तेरी आंखों में खुशी बन के बहना चाहता हूँ। कट जाएगी जिंदगी खुशी से अगर तू साथ है अपने नैनों के सामने, तेरे नैना चाहता हूँ। मैं उम्र भर तेरे पहलू में रहना चाहता हूँ, हर लम्हा तुझे अपना कहना चाहता हूँ। कमल कमल उठो, कमल लगता है भैया आ गए हैं। है
हर अंगरलिया मनाई जा रही है उनकी। देखो भैया एक मकई दिख रहा है, पकड़ो। अरे बाहर निकल जाओ, थारा टाइम ठीक हो तो। वे बाहरे को आ जाओ, नहीं तो आज कूट कूट के मारेंगे। अरे बाहर आ जाओ, आज तेरा मजनू पना निकाल देंगे, बाहर आ जाओ। आज तेरी साइकिल की चैन चढ़ा दूंगा, आज तेरे ऐसे पंचर जोड़ेंगे जो कभी ना हटे। इधर जाओ, तो इधर जाओ। चलो चलो ढूंढो इन्हें। थक गए सुबह से शाम हुई ढूंढते ढूंढते, तो गला भी सूख लिया। कोई बात नहीं, पर वे ढूंढ के जरूर ले जाने। भैया सही कह रहे, ढूंढ लेंगे। बड़ा भैया भी कह रहे उन्हें ढूंढ के लाना। चलो भैया चलो, इसी एक में और चलो। परेशान हो रही होगी? ना बिल्कुल ना। क्यों झूठ बोल रही है, भूख तो लग रही होगी? ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ पल भूखी भी रह लूं तो क्या हुआ? कोमल मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे पता है तू बहुत प्यार करे मेरे से। प्यार में जितना भी सहना पड़े ना वो कम होता है, मुझे तो बस इतना ही पता है। कोमल मैं जिंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ दूंगा। हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। कमल मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। प्यास लग रही है? मैं ट्यूबवेल से पानी लेकर आऊं। तुम कैसे जाओगे, यहाँ तो चारों तरफ पहरा है। तेरे लिए पहरे भी तोड़ दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो। कोमल तू चिंता मत कर, मैं अब आया। कोमल 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 बेहोश हो। कोमल
उमर। इसकी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और चारों तरफ पहरा भी तो है। कोमल, कोमल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारे पहरे तोड़ दूंगा। थोड़ा ठंड और थकान की वजह से बेहोशी आ गई है, तुम ये दवाइयां ले आओ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मन तेरा के बिगाड़ा, ना भाई दिया ना बहन, और माँ बाप थे वे भी बचपन में खोस लिए। मैं अकेला तड़पता रहा, दीन ईमान तक काम करता रहा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही किसी का बुरा किया, और आज या कोमल मिली तो इसे भी छीनना चाह रहे हो। बताओ मैं दवाई कहां से लाऊं, मेरे धोरे एक फुट्टी कोड़ी भी ना है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, या वो भी ना दे सकते। हे भगवान, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर कोमल कुछ हो गया ना तो जीऊं मैं भी ना। कमल, के बात है? भाई सुरेश, कोमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे क्यों चिंता कर रहा है, ले पैसे दवाई लेकर। और सुन, तुम दोनों के इसमें कपड़े हैं, और दवाई लाके बदल लेना। ठीक है, मैं दवाई ले आऊं। भाई चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं पता नहीं चला साला हाथ से निकल गया। भाई मेरे सामने इतनी खतरनाक समस्या कभी नहीं आई, मेरा तो ऐसा जी कर है कि अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का आग लगा दूं, मर जाऊं मैं। ज्यादा गुस्सा मत करो, सब्र से काम लो। बकवास बंद कर, ये सब तेरा किया धरा है? अरे घर की लड़की की जिम्मेदारी घर की औरतों की होती है। भैया छो में आने से कुछ ना होवे, कुछ सोचो। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब सोचने का क्या फायदा? हमारे खानदान में ऐसा होता तो मेरा बाप गर्दन काट देता। हो जा, संस्कार हमारे खानदान के भी खराब ना है। भाभी चुप हो जाओ, दुख के समय ऐसी बात ना करते। भैया तुम कहो तो पुलिस को इतला कर दूं? नहीं, अगर पुलिस को इतला करेगा तो तुझे मेरी लाश मिलेगी, और वैसे भी मेरा घर से निकलना बंद हो रखा। भैया तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। ये स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, आप इन्हें ले जा सकते हो, पर थोड़ा ठंड से बचा कर रखना, ठीक है? जी। डॉक्टर साहब ने तो कह दी ये अब ठीक है, ले जाओ, पर इसे लेकर मैं जाऊं कहां? अरे यार तू चिंता ना करे, यू काम मेरा है, तुम दोनों ने मैं अपनी बुआ के यहाँ ले चलूंगा। यार तुम्हारी गल क्यों पीस है, मारा तो पहली टाइम खराब चल रहा, और तने एहसान इतने कर रखे हैं। यार पे बड़े एहसान हो, यार वो हो जो दुख में काम आवे, ना तो ऐसे दुनिया धक्के खाती ना फिर रही है। सुरेश मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अगर तेरी यारी का फर्ज मैं निभा सकूं। अरे फर्ज वर्ज बाद में निभा ली, अब तू चल। दरवाजा खोलिए। बुआ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम राम जी। सब ठीक ठाक तो है? तू इतने सुथरे बालक कहाँ लिए फिर अपने गैल में? यू मेरा यार कमल है, यू इनकी घरवाली है। अच्छा ठीक है, मोनू पानी ले आ। लाया माँ। आ जाओ बैठ जाओ बेटा यहाँ पे। आओ बैठ। राम राम भाई। राम राम। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ बुआ ले आइए, पर मेरी एक बात सुनो, ये कुछ दिन के लिए यहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तू मेरे लिए ऐसे ये, कोई बात नहीं। मोनू बेटा मैं खेत को जा रही हूँ, तू डांगरों की सानी कर लियो। ठीक है माँ। अच्छा ओ
क्या माल लग रही है यार, आज इसे चेक करके देखता हूँ। आय हाय, इस नरम हाथों को क्यों कष्ट दे रही है, पानी तो हम भी भर सके हैं। अरे बाहों में आजा, क्या रखा है इस भिकमंगे के पास? अरे मेरे पास आजा, ऐस करेगी ऐस। किसे कह रहा तो भिकमंगा है? वो मेरे लिए मेरा भगवान है और भिकमंगा होगा तू। तू है मेरे पैर की जुत्ती। तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे मारा? अरे इतनी अच्छी होती तो नहीं भागी ना फिरती। प्यार करती हूँ उससे, शादी की है, नहीं भागी ना फिर रही। आज तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बचाओ कमल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मेरी बुआ की लड़की ने ऐसा काम करा। भाई सुरेश, इसमें तेरी गलती थोड़ी है, तुझे थोड़ी पता थी ऐसा काम करेगा। पर यार जिंदगी कैसे कटेगी, अब तो मेरे पे पैसे भी ना है जो मैं पहले वाला काम कर लूं। तू अपनी साइकिल की दुकान तो खोलिए मत, पकड़ा जाएगा। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है सुपरवाइजर साइकिल फैक्ट्री में, उससे मैं बात करता हूं कि तुझे वो अंदर लगवा दे, और अंदर ही अंदर काम करना, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। यू काम ठीक रहेगा भाई, बता कब चलेगा। आज तो कमरा देखते हैं, कल चलते हैं उसके पास। ठीक है भाई। सुरेश भैया, मैं भी आस पड़ोस में कहीं बर्तन साफ करने का काम देख लूंगी। चुप हो जा कोमल, मेरी जीती जी तू किसी के झूठे बासण मान जाएगी? तने बात सोच भी कैसा ली? मैं तुम्हारी सुख दुख की भागीदार हूँ, वो सब मैं अपने आप देख लूंगा। चलो तुम्हारे रहने सहने का जुगाड़ देखते हैं, कहीं किराए पे कमरा देखते हैं। सुनो, मुझे 2-3 दिन हो गए इन्हीं कपड़ों को पहने पहने, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ राम राम। राम राम। अम्मा एक किराए पे कमरा चाहिए। भैया कमरा मिल तो जाता पर बच्चे घर ना है। अच्छा भाई। राम राम जी। राम राम जी, बताओ क्या बात है। सेठ जी ना आपके यहाँ कमरा खाली बताया। आजी कमरा तो है पर फैमिली वालों को देंगे। हाँ जी फैमिली है, पति पत्नी है ये। अरे कुटकी। हाँ जी। जरा कमरा दिखा इन्हें। अच्छा जी। सुनो 1 महीने का एडवांस लेंगे। हाँ जी ले लियो। ठीक है दिखा दे। आ जाओ। बोल भाई सुरेश, कैसा आया? भाई तू साइकिल फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, मेरा दोस्त साइकिल का सारा काम जाने है, तू इसकी भी नौकरी लगवा दे, यू बेचारा परेशान है इस टाइम। भाई तेरे काम क्यों कटाल हो, फैक्ट्री में वैसे भी वर्करों की कमी चल रही। अच्छा भाई कब से भेज दूं? कल तड़की भेज दिए, कुछ एडवांस भी दिलवा दूंगा। भैया बहुत अच्छा रहेगा, आपका बहुत एहसान रहेगा, यू काम हो जाएगा तो। अच्छा कल तड़की मिलेंगे, इसका काम करा दे। चल ठीक है। अरे सुनो। जी भैया। कमर कस लो, चारों तरफ फैल जाओ। गाड़ी चाहिए गाड़ी लो, हथियार चाहिए हथियार लो, पर मुझे वे दोनों जल्द से जल्द चाहिए। भैया एक तरकीब बताऊं? तू भी बता। भैया तुम इतने दुखी हो रहे, पुलिस में रपट क्यों ना कर देते? पुलिस कूट तो मारे धोरे खुद ही ले आवेगी। मेरा दिमाग खराब है। पुलिस में रिपोर्ट कर दो, सारे गांव गुहान में बेइज्जती हो जाएगी हमारी, भैया तो जीते जी मर जाएंगे। ठीक कह रहे हैं भैया, ये तो यूं ही पागलपन की बात करे। हमें सिर्फ 2 दिन दो भैया, इस पूरे इलाके को हम छान लेंगे। ठीक है परसों मिलते हैं। चलो रहने के लिए कमरा किराए पे तो मिल गया। तुम इसे कमरा कह रहे हो? ये तो मेरे लिए महल है महल। तुम इतने बड़े महल में रहने वाली और ये छोटा सा किराए का कमरा। अगर तुम मेरे साथ हो ना तो महल क्या चीज है, ये तो चंद ईंटों का मकान है, पर तुम तो मेरा मुकद्दर हो। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ हो
तो मैं इस कमरे में क्या, मैं तो वीरान जंगल में भी रह लूंगी। और वैसे भी कोमल का बसेरा तो सिर्फ कमल के दिल में है। करने का पता तो तुझे अभी चलेगा। इन्हें क्यों मार रहे हो? इन्होंने कौन सी भैंस खोल ली थारी? तू भीतर को जाके मर जा, तेरा कोई काम ना आया, मर्दों की लड़ाई है यो। अरे भैया नु तो बता, तू मेरा दोस्त क्या है, मुझे क्यों पीट रहे हो तू? अरे सब बताएंगे, थोड़ा सबर कर, चलो रे। भैया गलती कर दी सुरेश को छोड़ के। हमने सुरेश को छोड़ दिया? अरे इसमें भी हमारी चाल थी, पर अब हमें सुरेश का प्यारा बन के बात करनी पड़ेगी। भैया जी मुझे तो सुरेश के भाव से पहले ही पता लग गया था कि उसे सब पता, पर वह डर की वजह से नहीं बता रहा। तब मुझे पागल समझो? यू तो मैं पहले ही भाप गया था, पर अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, यानी झूठा प्यार दिखाना पड़ेगा। ठीक है तो भैया अब इस तरीके को ही अपना के देख लेंगे। तो तुम एक काम करो, तुम सुरेश के घर के आसपास पूरे इलाके पे नजर रखनी शुरू कर दो। आजा भाई आजा, अरे सुमन पानी लाइए। और भाई ठीक भी है तू? हाँ मुझे तो आज पता चला मेरा हाथ टूट तो सका है पर झुक नहीं सकता, सोचा तेरे से मिल लिया हूं। कमल तू फिक्र ना कर, तू तो मेरा दोस्त है, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता ना है, यही तो एक रिश्ता जो बिना सोच समझे बनाया जावे। अरे एक दो लठ लग भी गए के हो गया, मैं तो तेरे ऊपर जान दे दूं, पर तू ऐसा कर यहां से चला जा, कभी किसी ने देख ले तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ मैं ठीक होती तेरे पास आऊं। सुरेश मेरे भाई मेरा मन ना करा तुझे छोड़ जाने का, तू मेरे लिए इतना कुछ कर सके, मार खा सके, चाहे वे मुझे मार दें पर मेरा मन नहीं करा तुझे छोड़ के जाने का। सुब सुब बोल, अभी तेरा यार जिंदा है, और अब मैं ठीक होती तेरे से मिलने आऊंगा। और अब तू चला जा, तुझे भाभी की कसम, तू वादा कर ठीक हो तू मिलने आऊंगा। पक्का वादा, ठीक होती मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। चल ठीक है। भैया मैंने अभी सुरेश को जाते हुए देखा। कहाँ जाते हुए देखा? मुझे लगा है वो कमल से मिलना आया, आप जल्दी यहाँ पहुँच जाओ। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हम उस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है भैया ठीक है, चलो रे उस पर नजर रखते हैं। हटो हटो, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसने हमारी बहन की बहुत ज्यादा मदद करी है। भाई तेरी यारी का आगे तो हम भी झुक गए। मैं समझा नहीं। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, अब तो सारे भेद खुल गए, अब तू हमें एक नेक काम कर लेने दे। कौन सा काम भैया? सुन जो होना था वो तो हो गया। भैया जी तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई बालकपन में बालकों पर गलती हो ही जा, पर बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ कर दे। और देख हमारी इज्जत भी इसी में ही है, हम उन दोनों को घर ले जावे, उनका ब्याह करें, इज्जत के साथ उन्हें विदा करें। सच कह रहे हो भैया? अरे बिल्कुल सच भाई, कसम ले ले। भैया आपकी जवानी कसम है। तो फिर ठीक है, उन्हें समझा के मेरे साथ लेके चल। ठीक है भैया चलो मेरे साथ।
कोई आया है शायद, मैं देखती हूँ। घबरावे ना, मैं तुझे इज्जत से लेना आया हूं। घर भाभी भैया इंतजार कर रहे हैं, चल मेरी लाडली घर चल। भाभी ये ठीक कह रहे हैं, भैया ने गुस्सा थूक दिया, ये तेने लेना आए। कमल जो तुमने करा उसे भूल जाओ, अब हमारा काम है हरी जिंदगी बेहतर करें। हम बढ़िया ढाल थारा ब्याह करेंगे, आशीर्वाद देख कर तुम्हें विदा करेंगे। नहीं कमल, दरवाजा मत खोलना, वो मेरे भैया हैं, बहुत खतरनाक है, तुम उन्हें नहीं जानते। चिंता मत करो कमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। वो वैसे वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम उनकी जो की लाठी में है, वो तुम्हारा बुरा सुनने चाहेंगे, तुम उन पर एक बार विश्वास कर देख सकते हो। कैसी है मेरी लाडली, देखो क्या हाल होगा तुम दोनों का हमारी वजह से, कैसे कैसे दुख झेलने पड़ रहे हैं। चलो अब घर चलो, चलो जल्दी घर चलो। लाडली बहुत बढ़िया ढाल ब्याह करेंगे थारा, पूरे गांव गुहांड की दावत करेंगे, भैया भी इंतजार कर रहे हैं थारा घर, चलो जल्दी करो आओ। ठीक कह रहे हैं भैया, चलो। बाप के मरने के बाद तुझे कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से पालकों को तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी हर ख्वाहिशें पूरी। ये पूरा गांव मुझे प्रधान जी कहकर थकता नहीं था, मेरे फैसले के बिना कोई फैसला होता नहीं, पता नहीं क्या किया, मेरा पूरे गांव में निकलना बंद करवा दिया, मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। बता बता तूने ऐसा क्यों किया, बता बोल क्यों नहीं, क्यों किया तूने ऐसा, बता कोमल बता, अब बोल कोमल कोमल बोल। ये गलती इसकी नहीं है, ये गलती इस कमीने की है, इस पेंचर वाले की गलती है। नहीं, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे लेके गई थी भैया। ले जा इस हरामजादे को और मार, नहीं भैया, मार।